अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुझे क्या हालात खैरियत से होंगे? आज हम लोग देखिए कि आज वो हर हवा में आए हुए हैं और शहंशाह तरन्नुम जो हिंदुस्तान के बहुत मशहूर व मारूफ शायर हैं जनाब नदीम रज़ा फैज़ी साहब तशरीफ ला चुके हैं और हम लोगों ने उनसे मुलाकात भी की है और काफ़ी अच्छा लगा। और नदीम रज़ा फैज़ी ने हिंदुस्तान के वो कीमती हीरे जो नेपाल की सरजमीन पर पहुँचे हज़रत अल्लामा नुमान अख्तर फ़ैज़ुल जमाली शाहबाज कलकत्ता भी और रहबर झारखंड भी और शहंशाह तरन्नुम हज़रत नदीम रज़ा फैज़ी भी आए हुए हैं और बहुत शोरा हज़रात आए हुए हैं। मतलब आज से जो कब पहले जो रात गुजरी उसमें ज़्यादातर नहीं थे और आज की रात बहुत मकबूलियत वाली शख्सियत तशरीफ़ लाए हुए हैं। आप ज़रूर हमारे चैनल पर देख सकते हैं कि नदीम रज़ा फैज़ी से मैंने इंटरव्यू लिया और काफ़ी वो थके हुए थे, जिन्होंने अपने फ़ैन्स को कहा कि मैं अभी सफ़र से आया हूँ, थका हूँ, बाद में बात कर सकता हूँ। तो इंशाल्लाह फिर बाद वाली वीडियो जब स्टेज पर जाएंगे उससे पहले मैं उनसे इंटरव्यू लूँगा, आप ज़रूर देख सकते हैं उस वीडियो को। इसमें है थोड़ा है इंशाल्लाह और आप लोगों को दिखाया जाएगा। और आज अगर मौका नहीं मिला नदीम भाई से बात करने के तो इंशाल्लाह शनिचर के रोज़ जो यहाँ पे आ रहे अलीपट्टी शरीफ में तो हमारे खुशबू नेटवर्क पर आप उन्हें देख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अगर आप हज़रात चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और शेयर भी कीजिएगा वीडियो को, अपने दोस्तों से ज़रूर कहिएगा कि घंटी वाला बटन दबाए। तो देखिए कि नदीम साहब से हमने किस तरीके से मुलाकात की है, वीडियो देखें। तो अस्सलामु अलैकुम और हम लोग आपको एक ऐसी वीडियो दिखाएंगे जिससे आपका दिल बह जाएगा और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। नदीम रज़ा फैज़ी साहब मुझे पूरी तशरीफ़ ला चुके हैं, देखिए हमारे सामने में है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत लोग हैं, मतलब जिनके देखने के लिए कल आप लोग आए थे और नाराज़ होकर गए थे, अब नाराज़गी की कोई बात नहीं है। वो इंटरनेशनल शायर शायर आज़म हिंदुस्तान हज़रत नदीम रज़ा फैज़ी मधेपुरी आ चुके हैं, देखिए और बाकी सब अपने फैन के लिए। मैं थोड़ा सा सफ़र से आया, थका हुआ हूँ मैं। अच्छा ठीक है।